हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूरिक एसिड पे कि अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी समस्याएं, कौन सी दिक्कत आपके बॉडी में हो सकती है और कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे अर्ली स्टेज में जिसको देख के आप पहचानेंगे कि आपको कहीं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ में क्या मैनेजमेंट करेंगे, यानी कौन सी ऐसी फूड है जिसको आपको लेनी है और क्या कौन सी ऐसी फूड है जिसको आपको नहीं लेनी है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, इन सारी बातों पे मैं डॉक्टर रूबी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो कफ पे है यानी खांसी पे है, तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिले और आप सभी इसका लाभ उठाए। आगे हम लोग जानते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में इसका निर्माण होता है और हमारी जो किडनी है उसको यूरिन के थ्रू उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। तो आखिर कौन कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से आपके शरीर में यानी आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप कम पानी पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, स्पेशली बियर लेते हैं और मीट लेते हैं, मांस लेते हैं, सुगर रिच फूड ज्यादा लेते हैं जैसे मीठा लिए, स्वीट्स लिए, और अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आप डायबिटिक हैं या आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो मेरा सेपरेट वीडियो है, तो आई बटन में लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी किडनी का फंक्शन परफेक्ट नहीं है, उसकी वजह से अगर आप प्यूरिन रिच फूड ज्यादा ले रहे हैं, प्यूरिन रिच फूड यानी सबसे ज्यादा आपके मांस में, कॉलीफ्लावर में, पालक में पाया जाता है, आगे हम लोग जानेंगे, तो आप इंटेक ज्यादा कर रहे हैं लेकिन आपकी किडनी अनेबल है उसको फ्लश आउट करने में, तो इसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जिसको अर्ली स्टेज में आप देख के पहचानेंगे कि कहीं आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप सोकर उठते हैं, आपके जॉइंट्स में, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स में, आपके फिंगर में, आपके टो में यानी पैर के एरिया में पेन है, वहां पे स्टिफनेस है, जकड़न है, अगर सुबह में शुरू होती है और शाम तक वो खत्म हो जाती है, तो आप सभी जरूर यूरिक एसिड का एक बार टेस्ट करें। तो दोस्तों, जब ये यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाती है यानी 6 से जब ज्यादा होती है, तो ये हमारे जॉइंट्स में क्या होती है, एज ए क्रिस्टल्स के रूप में डिपॉजिट हो जाती है और इतना सीवियर पेन होता है, असहनीय पेन होता है, और मोस्टली देखा जाता है कि जिसकी स्टार्टिंग जो पेन होती है वो बिग टो से होती है यानी आपके पैर के अंगूठे से होती है, और वहां पे रेडनेस होती है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है, इतना सूजन होता है और रेडनेस रहता है कि आप चल नहीं पाते हैं। तो अगर आपको ऐसे साइन एंड सिम्टम्स बॉडी में दिखते हैं तो जरूर यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं। आगे हम लोग जानते हैं कि क्या क्या आपको मैनेजमेंट करनी है, यानी कौन सी फूड आपको नहीं लेनी है और कौन सी फूड आपको लेनी है। तो ध्यान से सुनिए, आपको मीट नहीं लेनी है यानी मांस आपको नहीं लेनी है, सी फूड आप नहीं ले, अल्कोहल को कम्प्लीटली बंद करें, स्पेशली बियर को, कॉफी नहीं ले, टी नहीं ले, और सब्जी में स्पेशली 3 सब्जी आपको नहीं खानी है, जैसे फूलगोभी नहीं खानी है, स्पिनच पालक नहीं खानी है और मशरूम नहीं खानी है। लेनी क्या है, आप मॉडरेट क्वांटिटी में अगर दाल लेते हैं तो ले सकते हैं, होल ग्रेन ले सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। आगे जानते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है तो अपने वजन को सबसे पहले कम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अपने फूड में विटामिन सी रिच फूड लें, जैसे लेमन लें, आंवला लें। तो ये हुई मैनेजमेंट। आगे हम लोग जानते हैं कि कौन से ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे जिससे अपने यूरिक एसिड के लेवल को कम करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए और सिम्टम्स को मैच कीजिए और मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि आप सभी स्किप करते हैं और ध्यान से देखते नहीं है तो मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। जब तक आपकी सिम्टम्स अच्छे से मैच नहीं होगी, मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। तो हमारी जो पहली मेडिसिन है कॉल्चिकम 30, उन लोगों को लेनी है
जिनको यूरिक एसिड के साथ साथ उनका जो अर्ली गाउट का सिम्टम शुरू हो गया, यानी को गाउट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, उनके बिग टो को यानी अंगूठा को इन्वॉल्व कर दी है और वहां पे स्वेलिंग है, रेड है, रेडनेस है, पेन है और इतना सेंसिटिव है कि उसको आप टच नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी अगर सिम्टम्स आपको आपको है तो आप कैल्शियम 30 दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड 200 उन लोगों को लेनी है जिनको यूरिक एसिड के साथ साथ उनके जो यूरिन होंगे वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होंगे, उसमें से बदबू आएगी और ब्राउनिश कलर की होगी। तो अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो बेंजोइक एसिड 200 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे सिर्फ आपको मॉर्निंग में लेनी है, दिन में 1 बार। हमारी जो थर्ड मेडिसिन है वह है लिडम पाल 200 उन लोगों को लेनी है जिनको यूरिक एसिड के साथ उनके जो पेन है वो ज्यादा मीट खाने से यानी मांस खाने से या बियर पीने से स्टार्ट हो जाती है और जो उनके पेन है वो एंकल से शुरू होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपकी पेन जाए, तो आप लिडम पाल 200 दिन में 2 बार लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।